तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा पर दिया गया एक शब्द सब माइटॉन पूरे के पूरे आंदोलन के रूप में बताया है। कुछ मीडिया घरानों ने इस खबर को इस तरीके से दिखाया जिससे तिब्बत से आए हुए लोग और दलाई लामा के अनुयायियों को एक अलग तरीके की हलचल ऐसी कि सड़क पर उतरकर सभी लोगों ने अपने धर्मगुरु दलाई लामा का समर्थन किया और सभी मीडिया वालों का विरोध शुरू किया। विरोध शुरू करना लाजमी था क्योंकि यह उनके बाद अपने धर्मगुरु की थी। तिब्बत यानी बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु दलाई लामा के खिलाफ लिया गया यह एक वीडियो जो कि वायरल हुआ उसने पूरे के पूरे समुदाय में अलग तरीके की हलचल दिखाई। यह पूरा का पूरा जो आप आंदोलन देख रहे हैं दलाई लामा के समर्थन में लोगों ने मना लिया। हजारों लोगों की तादाद में इकट्ठे हुए धर्मावलंबी दलाई लामा के समर्थन में सड़क पर उतरकर अपना संदेश दे रहे हैं। इस तरीके के संदेश से नतीजा क्या निकलेगा यह तो राम जाने, लेकिन धर्मावलंबियों का इस तरीके से सड़क पर उतरना और दलाई लामा के समर्थन में आना इस बात का सीधा जीता जागता सबूत है कि दलाई लामा की आस्था लोगों के अंदर कितनी है। लोग दलाई लामा को कितना मानते हैं। वैसे भी किसी एक बड़े धर्मगुरु के खिलाफ इस तरीके का माहौल बनाना और इनका यह आरोप लगाना कि यह दलाई लामा की छवि को भूमि करने का एक प्रयास है, एक साजिश है, शायद वो अब समझने और सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मीडिया घरानों पर क्या कार्रवाई होगी यह एजेंसियां जाने या संस्थाएँ जाने, लेकिन दलाई लामा के पक्ष में बनाए जा रहे इस दबाव का परिणाम कुछ तो कुछ होगा। यह पूरे के पूरे तिब्बती समाज के लोग जो बौद्ध धर्म को मानते हैं जिनके सबसे बड़े गुरु दलाई लामा हैं उनके समर्थन में सड़क पर उतरे हुए। हमारे साथी राज अग्रवाल ने मनाली से यह पूरे खबर उठी और आपको दिखाने का प्रयास किया कि बौद्ध समाज के लोग किस तरीके से मीडिया घराने का विरोध किया जिन्होंने दलाई लामा के खिलाफ एक वीडियो वायरल करने का काम किया था और उनकी छवि ध्वस्त करने का काम किया था जैसा इनका अपना आरोप है। देखिए साथी राज अग्रवाल का यह पूरा का पूरा रिपोर्ट का वीडियो। Yeah.
Media! 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 Media!